अभी हम लोग करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी उसका एक्सप्रेशन। देखो, मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने लिया और हमें इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी ये निकालना है। इस कैपेसिटर को पहले करना होगा चार्ज, और चार्ज करने के लिए हम लोग करेंगे इसे बैटरी से कनेक्ट। जब इसे बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा नहीं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को कनेक्ट करेंगे वो पॉजिटिव प्लेट होगा चार्ज, और दूसरा वाला नेगेटिव प्लेट होगा, नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगा। ये फिक्स हो गया। अब सिचुएशन क्या है कि इनिशियली कैपेसिटर पे तो कोई चार्ज नहीं थी। एक बार ध्यान देंगे कि इनिशियली मतलब होता है एट टी इक्वल टू जीरो। जब जब हम बात करेंगे एट टी इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियली डिस्कस होगी। इसमें एनर्जी स्टोर क्यों होगी पहले ये बताओ, तो एनर्जी स्टोर इस कैपेसिटर में क्यों होगी? इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड इसलिए होगी कि आप इस अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं इसका ये मतलब हुआ कि आप इस पर धीरे 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 क्या हो रहा है कि चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं, और उस चार्ज को डिपॉजिट करने में आपको वर्क डन करना पड़ा, और वही वर्क डन इसमें एज अ एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। आई बात समझ में? तो इसका जो बेसिक है, बेसिक मतलब ये हुआ कि किस कंसेप्ट पे ये काम करती है, काम इस कंसेप्ट पे करती है कि वर्क डन, किस कंसेप्ट पे एनर्जी स्टोर्ड का क्या मतलब हुआ कि जो वर्क डन टू चार्ज कैपेसिटर, वर्क डन टू चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन हुआ वही स्टोर होती है, स्टोर एज एनर्जी। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इन कैपेसिटर। क्लियर है? कैपेसिटर में वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये क्लियर हो गया? देखो, इस पे काम करने के स्टेप क्या होंगे। धीरे धीरे से हम लोग क्या करेंगे, इस पे चार्ज डिपॉजिट करेंगे। मतलब ये हुआ कि इनिशियली मतलब एट टी इक्वल टू जीरो पे, ध्यान देना, ये काम ना ऐसे किया जाता है कि इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो पे कुछ चार्ज नहीं था, क्यू इक्वल टू जीरो चार्ज नहीं था, लेकिन इसका कैपेसिटेंस तब भी था कितना, सी। इसका जो कैपेसिटेंस था वो तब भी सी ही था, क्योंकि इस पे सी और वी से कोई मतलब होता नहीं है कैपेसिटेंस। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी, क्या बोले? हाँ, तो C इक्वल टू क्यू बाय वी तो अभी लिखेंगे नहीं, मतलब कैपेसिटेंस इसका जितना होता है उतना ही होगा। हाँ, V कितना हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस अभी जीरो होगा। कुछ समय बीता होगा जब बैटरी से कनेक्ट किए, कुछ टाइम बीता होगा एट T इक्वल टू सम टाइम, आफ्टर सम टाइम T, Q इक्वल टू मान लो Q हुआ, कुछ चार्ज हुआ, तो कैपेसिटेंस तो V कुछ बना, मान लेते V इक्वल टू कुछ बना, V इक्वल टू V या कुछ भी बना होगा मान लो, तो उस वक्त V इक्वल टू नहीं, कैपेसिटेंस तो C का C ही रहेगा, कैपेसिटेंस के क्यू बार नहीं, कैपेसिटेंस तो C का C ही रहेगा। R कहाँ से लोगे यहाँ पे? यहाँ पे V E डॉट डी ए से निकलेगा या निकलता है, और यहाँ पे या V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कि C इक्वल टू क्यू बाय V होता है, तो V इक्वल टू क्यू बाय C, यहाँ पे ये निकलेगा V इक्वल टू, अभी कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, V इक्वल टू क्यू बाय C। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि कैपेसिटर को चार्ज होने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर मतलब एक्टिव इक्वल टू इन्फिनिटी, काफ़ी लंबे टाइम बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होती है। ये बात वैसे हम लोग बाद में बात करेंगे, इसके दो केसेस और आएंगे अच्छे, जब आरसी सर्किट हम आपको पढ़ाएंगे उस वक्त दो बातें होंगी, एक होगा इनिशियल और एक होगा, इसको कहते हैं स्टडी स्टेट।
ये जो टी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को हम लोग स्टडी स्टेट कहते हैं, ठीक है। स्टडी स्टेट का मतलब हुआ कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी, इस वक्त ये फुल्ली चार्ज हो चुका होगा मान लीजिए क्यू, ठीक है। अभी भी इसकी कैपेसिटी तो सी ही होगी और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्यू बाय सी, मतलब हमें जीरो चार्ज से क्यू चार्ज करने में जितना वर्क करना पड़ा वो सारी के सारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर बिटवीन स्टोर हो जाएगी, इसी का एक्सप्रेशन करना है हमें। क्लियर हो गया करने के हवाले हम लोग? तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, डेरिवेशन यहां से स्टार्ट करेंगे। हमने लेट किया था कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना है सी, ठीक है। और सी कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि ये मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड कर सकती है, क्यू नहीं, जिसकी वजह से पोटेंशियल कितना बनेगा एट चार्ज क्यू, मतलब इसका जो एबिलिटी टू होल्ड चार्ज है मैक्सिमम वो कितनी है एट चार्ज क्यू, क्यू एट चार्ज क्यू पे वी कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू सी बाय सॉरी क्यू बाय सी, समझ पा रहे। जब ये चार्ज फुल्ली हो जाएगा क्यू उस वक्त उसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट कितना हो जाएगा क्यू बाय सी, ठीक है। अब हम लोग ये करते हैं कि छोटा सा स्मॉल चार्ज डी क्यू चार्ज देने में इसे कितना वर्कडन करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू वर्कडन करना पड़ा होगा, डी क्यू चार्ज देने में कितना वर्कडन करना पड़ा। जब भी किसी को बोर्ड क्लियर ना दिखे तो बोलेंगे नाउ, ठीक है। नाउ टू गिव डी क्यू जो कि वेरी स्मॉल चार्ज है, नहीं यार कह देते हैं स्मॉल चार्ज डी क्यू वर्कडन, ये वर्कडन कितना करना पड़ा, वर्क नीडेड या वर्कडन, स्मॉल वर्कडन कितना डी डब्ल्यू जो कि होगा कितने के बराबर, आपको पता है कि वर्कडन इक्वल टू होता है क्यू डी वी, मतलब होता है ना, देखो ना आपको ये बात पता है कि डेल वी इक्वल टू होता है डी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, नहीं तो डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू, मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू डेल वी जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इंटू डी क्यू स्मॉल चार्ज, समझ पा रहे हैं, वी डी क्यू कर सकते हैं। तो चलिए इसे लिख सकते हैं, स्मॉल चार्ज करने में पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ उसको लिख सकते हैं हम लोग कितना वी डी क्यू, हाँ या वी डी क्यू चलेगा। अब इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो टोटल वर्कडन यही डी डब्ल्यू हमें बताएगा, बोलो टोटल वर्कडन हमें यही बताएगा, समझ पा रहे हैं। तो देयरफॉर टोटल वर्कडन डब्ल्यू किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब टोटल वर्कडन क्या करने में, इसे जीरो चार्ज से क्यू चार्ज करने में, नहीं टोटल वर्कडन क्या करने में, जीरो चार्ज से क्यू चार्ज करने में, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू फ्रॉम जीरो, क्यू बराबर जीरो से लेके क्यू बराबर क्यू तक। यहां तक समझ पाए ये वाला स्टेप सबको क्लियर है क्या करने वाले हम लोग, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, वी को क्या लिख सकते हैं क्यू बाय सी, वी को लिख सकते हैं क्यू बाय सी, नहीं चलो ठीक है, फिर वी को हम लोगों ने क्या लिखा, क्या स्मॉल क्यू लिखे, स्मॉल क्यू रहने देते हैं इसको, ठीक है क्यू बाय सी, इसे लिख सकते हैं हम लोग वी को क्यू बाय सी और डी क्यू, इसे करेंगे चार्ज जीरो से लेके क्यू चार्ज तक, ठीक है किसी इंस्टेंट पे पोटेंशियल मान लिए। यहां तक क्लियर है सबको बाबू, चलो ठीक है, फिर बस दो स्टेप और रह गया, आइए इसे आगे प्रोसीड करें। देख लीजिए अब हम लोग एक काम करते हैं, सी को बाहर कर लें क्योंकि कैपेसिटेंस ये तो कांस्टेंट है, सी को बाहर कर लेंगे, जब ये सी
बाहर हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू ओवर 0 to Q। और आपको पता है क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलो, क्यू स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से क्यू तक। अब सब्सिट्यूट कर दीजिए, W इक्वल टू सी क्यू का अपर लिमिट बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0, 0 ही रहेगा, एलिमिनेट कर दे, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो ओवरऑल W इक्वल टू आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाय 2C, क्यू स्क्वायर बाय 2C। ये वैसे भी हम लोग पहले कर चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, बता दिया, लेकिन एक ही बात है क्यू स्क्वायर बाय 2C। ये इतना वर्कडन करना पड़ा, और हमें पता है कि यही वर्कडन क्या होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर होगी, नहीं, ये जो वर्कडन होगा एज पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर होने वाली है। इसको कहां लिख लें, इसको यहां पर लिख लेते हैं, स्टोर एज एनर्जी इन कैपेसिटर, ये तो था ही, हाँ, इसे यहां पर लिख लेते हैं। और देखो ये लाइन आपको पहले भी क्लियर था कि वर्क डन टू चार्ज, जितना वर्क डन करना पड़ा वही एज अ एनर्जी के टर्म में स्टोर होगी, और ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2C। इस तरह से ये चार्ज हो गया कैपेसिटर, और इसके तीन फॉर्मेट आपको पता है, इसके तीन फॉर्मेट होते हैं, ये तीन फॉर्मेट भी आपको पता है, पहले इनको एक बार देख लीजिए अच्छे से, क्लियर कर लीजिए, डाउट होगा तो बात करते हैं इस पर। तो हमने ये सीखा कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर कितना हुआ है, क्यू स्क्वायर बाय 2C, ठीक है। लेकिन इसके दो एक्सटेंडेड फॉर्म भी हैं, आपको पता है कि आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एक क्यू वी के फॉर्म में, एक सी वी के फॉर्म में। आपको ये पता है कौन सा वाला फॉर्मूला, देखो, सी इक्वल टू क्यू बाय वी, ये होता है, बोलिए, सी इक्वल टू क्यू बाय वी। अगर आप यहां पे क्यू को, हाँ एक ही बात है, अगर आप यहां पे क्यू को सी वी लिख दें, तो हाँ, Q को अगर आप सी वी लिख दें तो रिजल्ट क्या आएगा, इस हिसाब से रिजल्ट आएगा आपका, Q को अगर आप चूंकि सी इक्वल टू क्यू बाय वी और Q इक्वल टू सी वी, देयर फोर यू इक्वल टू क्यू का स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2C, एक सी से एक सी उड़ गया, कितना बचा, हाफ सी वी स्क्वायर, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये एम वी स्क्वायर जैसा है, तो याद रखना बिल्कुल आसान होता है। और दूसरा, आप चाहो तो, क्योंकि हमें पता है क्यू इक्वल टू सी बाय वी होता है, तो आप इसके एक्सप्रेस कर दीजिए, किसको, सी को पुट कर देते हैं, सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो देखो u इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर ही रहेगा, हाफ ही रहेगा, c के प्लेस पे q बाय v, एक q से एक q आउट, तो u इक्वल टू हो गया आपका हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी। ये भी एक फॉर्मूला है जो एनर्जी को ही लिखने का तरीका है, आप एनर्जी या तो क्यू स्क्वायर बाय 2C लिखें, या हाफ सी वी स्क्वायर लिखें, या हाफ क्यू वी लिखें, एक ही बात है। तो ये एनर्जी के फॉर्म हो गए जो कैपेसिटर में स्टोर होंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन आपके पास क्या है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या किसी और को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, ये एक बात क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मान लीजिए एक चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि चार्ज है, अभी हम लोग फुल्ली चार्ज कैपेसिटर पर बात करेंगे, ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज करने के मेथड पे हम लोग बिल्कुल काम नहीं करेंगे, अभी हमारे पास चार्ज कैपेसिटर अवेलेबल है।
एक पॉजिटिव प्लेट होता है चार्ज कैपेसिटर में और एक नेगेटिव प्लेट होता है। इस पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अभी प्लेट के बीच का सेपरेशन डी था, ठीक है। इनिशियली ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था हमारे पास, ठीक है, ये कंडीशन था इनिशियली। अब हमने क्या किया, इसे इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, ठीक है, इसे सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, सेपरेट इसे 2D मान लो ये जो प्लेट था जिसपे प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, इसे हमने दूसरे वाली प्लेट से 2D डिस्टेंस दूर करना है। बताइए इसे करने में, ऐसा करने में माइनस क्यू आपको वर्क नहीं करना पड़ा होगा, कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया ये वाला। ऐसा करने में वर्क करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा होगा ये बताइए, और अगर वर्क करना पड़ा होगा तो क्यों करना पड़ा होगा ये बताओ, बोलो। हट, ऐसे आंसर करोगे कोई करोगे आंसर इसका? देखो थोड़ा इतना आसान बेसिक बातें हैं, समझो। देखो ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट बंधा होगा अट्रैक्टिव फोर्स के साथ, हमेशा एक प्लेट दो प्लेट के बीच जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो ये इसके साथ बंधा होगा, ये दूर नहीं जाना चाह रहा होगा एक दूसरे से, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसे दूर करने के लिए वर्क करना पड़ा है, और वही वर्क इसमें एज एनर्जी स्टोर हो गई होगी। क्यों वर्क करना पड़ा समझ गए? अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज है, मतलब एक फोर्स के साथ बंधा हुआ है, हमें उस फोर्स को तोड़ना है, तो आपको वर्क करना पड़ा ना उसी फोर्स को तोड़ने के लिए, टू सेपरेट देम एट 2D डिस्टेंस, क्लियर है। हमसे वही पूछा गया कि बताइए कि वर्क कितना किया गया, ठीक है। तो देखो वर्क करने के एक ट्रेडिशनल तरीके थे, वो डेरिवेशन करो या सीधा सा बुद्धि का प्रयोग करो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सीधा सा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपको वर्क डन टू सेपरेट डैम एट 2D डिस्टेंस, तो कैसे करोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सीधी सी बात। आपको पता है कि एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू होता है वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मींस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी अभी आपने करा है, बताइए आपके पास क्या क्या दे रखा है, आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, कौन सा करेंगे, Q²/2C यूज करिए। अच्छा ये बताइए इस केस में इसका कैपेसिटेंस कितना है, मान लेते हैं सी। देखो सी कैपेसिटेंस किस किस बातों पर डिपेंड करती है, सेपरेशन पर डिपेंड करेगी और एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी और एरिया पे डिपेंड करेगी। क्या चेंज हुआ है, एरिया नहीं चेंज हुआ, एप्सिलॉन भी चेंज नहीं हुआ, डी चेंज हुआ, तो कैपेसिटेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा ना। तो कैपेसिटेंस मान लीजिए सी इनिशियल था और यहां पे मान लीजिए सी फाइनल है, तो बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा बाबू, Q²/2, चार्ज में नो चेंज, Q²/2C फाइनल माइनस Q²/2C इनिशियल। क्या क्या कॉमन आ रहा है देख लो जरा, Q²/2 कॉमन आया और यहां बचा 1/CF, 1/C फाइनल माइनस 1/C इनिशियल। क्या आगे भी कुछ प्रोसीड कर सकते हैं आप इसे, बिल्कुल। C को आप लिख सकते हैं यस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है कितना बाबू, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। अब बताइए ध्यान दीजिएगा, Q²/2 रहने देते हैं, यहां पे देखो तो सी एफ है यानी कि फाइनल पोजिशन। इस केस में इसका कैपेसिटेंस कितना लिखाएगा, इस केस में इसका कैपेसिटेंस कितना लिखाएगा, एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया वही रहा, डिस्टेंस कितना है 2D, तो 1/CF में क्या हो जाएगा 2D ऊपर हो जाएगा और ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए, माइनस इसका कैपेसिटेंस क्या लिखाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी,
डी चला जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट ए, समझ पाए? एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2d में से d कॉमन आएगा तो d बचेगा। ओवरऑल आपके पास जो वर्क डन एक्सटर्नल आएगा वो कितना आया, q स्क्वायर बाय 2 इनटू d बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये रहा आपका आंसर। मतलब वर्क डन एक्सटर्नल का रिजल्ट आया आपका q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए टाइम्स ऑफ डी। ये डी क्या है, हाँ देखो इसके टाइम्स में आया है, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, तरीका समझ पाए ना। हाँ डी यहाँ पे वही रहेगा लेकिन हर जगह ऐसा नहीं, तो इसलिए आपको इसका मेथड समझना है कि कैसे ये निकाला जाता है। ये फॉर्मूला हम नहीं बता रहे आपको कि ऐसा नहीं कि याद रख लीजिए फॉर्मूला हो गया, ना भाई ना फॉर्मूला नहीं, आप मेथड देखिए कैसे वर्क डन निकालेंगे, एक बार देख लीजिए अच्छे से फिर दिक्कत हो तो बात करते हैं। एक कैपेसिटर को डी डिस्टेंस से 2d डिस्टेंस लाने तक वर्क डन इसलिए करना पड़ा कि पहले सिचुएशन में एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बना हुआ था और उसी फोर्स को ओवरकम करने के दरमियान आपको वर्क डन करना पड़ा। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, क्या आप फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आइए करते हैं। लगाएंगे हेडिंग फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर, फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किस टेक्निक का यूज करेंगे हम इसे फाइंड करने के लिए। देखो हमारे पास मान लीजिए एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है और इसके बीच मान लेते हैं डी डिस्टेंस पे दोनों प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। फोर्स के लिए हम लोग ये तरीका यूज करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर चार्ज हो या चार्ज सिस्टम हो या चार्ज बॉडी हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि फोर्स का नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रिक नेचर इलेक्ट्रिक फोर्स वाला ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता है क्यूई चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी कैपेसिटर पे मान लीजिए इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो चार्ज तो पता है ही और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हम लोग जानते हैं, तो फोर्स नहीं निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इस प्लेट का यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, दोनों पे होगा, किसी एक पे निकाल लेते हैं, दोनों पे सेम ही होगा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट, मान लेते हैं ये प्लेट नंबर वन है और ये प्लेट नंबर टू है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं एट टू सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट की वजह से सेकेंड प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है कि एक प्लेट जिस पे चार्ज होता है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, एक चार्ज की वजह से देखो एक चार्ज सीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आया फील्ड, बोलो। तो बताइए फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट की वजह से सेकेंड प्लेट पे फोर्स कितना होगा, आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है क्यू ई, ठीक है, फोर्स क्यू ई। तो फोर्स कितना एफ, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्यू कितना है, यहां पे क्यू कितना है, क्यू है क्यू, और ई कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोले कोई दिक्कत यहां तक नहीं, आप ये बताइए सर क्या हम सिग्मा को, आपको पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाय ए प्लेट एरिया, तो क्या हम सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू बाय ए और 2 एप्सिलॉन नॉट, चलेगा, हाँ आ गया। देयरफोर फाइनली क्या हो गया हमारे पास, फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन ये है कि फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट
या दोनों सेम ही होगा अपोजिट डायरेक्शन में, बस और क्या, ये इसे सॉरी ये पॉजिटिव प्लेट इसे इस तरफ खींचेगी और नेगेटिव प्लेट इस तरफ, तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। ये फोर्स हमेशा किस नेचर का होता है, फोर्स का नेचर ऑलवेज बी अट्रैक्टिव। कैपेसिटर के बीच जो फोर्स लगेगा वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, क्लियर है। तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट तो होना ही है। कितना हो गया ये, q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। या आप ये कह सकते हैं फोर्स ऑन 2-1 इक्वल टू माइनस फोर्स, एक ही बात है नहीं, ठीक है। तो ये हुआ फोर्स का एक्सप्रेशन। देखो अगर आपको फोर्स का एक्सप्रेशन याद है, सिंपल सी बात है, आप यहां से भी वर्कडन निकाल सकते थे। देखो ना, आपको पता है कि वर्कडन इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, आपको सीधा सा ऑल्सो अगर आप वर्कडन निकालना चाहें तो वर्कडन इक्वल टू होता है, पता होना चाहिए कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो फोर्स कितना है, अभी अभी आपने फोर्स किया है ना, फोर्स कितना, q² / 2a ε₀ × d। क्या यही वर्कडन का रिजल्ट था, जरा देखो तो सेम था, एक ही बात है, सारी चीजें एक ही एक दूसरे से लिंक रहती है, इसी तरह से आपको बस लिंक करने आना चाहिए। एक बार अच्छे से देख लीजिए फिर बात करते हैं। F21 या F12 का क्या मतलब हुआ, देखो यहां पे हमने क्या निकाला, फोर्स, इसका ये मतलब हुआ फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, इतना आया। तो फोर्स जो सेकेंड प्लेट है वो भी फर्स्ट प्लेट पे, फोर्स ऑन फोर्स, ये क्या था, फोर्स ऑन फर्स्ट प्लेट ड्यू टू सेकेंड प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्लियर है, ठीक। एक बेसिक सवाल, आसान फॉर्मूला बेस्ड, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, ठीक है, एक पे प्लस क्यू चार्ज और एक पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। जो इसका कैपेसिटेंस है वो दे रखा है 3 × 10⁻¹⁴ −14 फराड, और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है अभी फिलहाल 200 वोल्ट का, ठीक है। और ये एयर में रखा हुआ है, सिचुएशन क्या है एयर का, ये एयर में रखा हुआ है, प्लेस्ड इन एयर, और इनकी भी सेपरेशन है 2 mm, ठीक। अब इसे क्या किया गया, इन दोनों को एक दूसरे से दूर किया गया और सेपरेट कर दिया गया सिस्टम को, ठीक है, एयर में ही चार्ज उतना ही रहा, सिक्स एम एम चार्ज उतना ही था विदाउट टचिंग प्लेट, दे आर मूव अपार्ट टिल सेपरेशन 6 mm, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू शो। हमसे ये पूछा गया कि बताइए इसको ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, तुरंत बताइए। देखिए कैसे सॉल्व करें इसे, अच्छा कितना आया तुम्हारा, 2.4 × 10⁻¹⁰, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर भी चलो एक बार चेक करते हैं। देखो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, अच्छा बता, तब तक हम सॉल्व करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का होगा q² / 2c या c1 या c2, हाँ फाइनल, और q² / 2c2 यही है, c1। देखो q तो कांस्टेंट ही रहेगा, c1 और c2 वाला मामला है, तो c1 c2 नहीं आएगा, आप देखो तो c1 c2 आपको याद है, हम लोग ये पढ़ाया था कि c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, इसका मतलब ये हुआ है कि अगर d बड़ा है तो c घटा होगा, तो c2 जो होगा वो c2 क्या होगा,
घटा है ना, सी वन का थ्राइस नहीं हो जाएगा, बाय थ्री नहीं हो जाएगा, कह सकते हो इस केस में कैपेसिटेंस जो सी वन है ये आपको दे रखा है नहीं आ जाएगा, बोलो तो ये बात समझ पाए। डिस्टेंस अगर तीन टाइम्स बड़ा है तो कैपेसिटेंस तीन टाइम्स घट जाएगा, मतलब सी वन, हाँ इसका कैपेसिटेंस है ना एक, अरे एक ही बात है, इसका कैपेसिटेंस वन इस वाली सिचुएशन का, तो ठीक है फिर। अब ये एक बातें हो गई, चलो ठीक है फिर, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय टू तो कॉमन ही लोगे। अब बताइए वन बाय सी टू को, सी टू को क्या लिख सकते हैं, सी वन बाय थ्री, मीन्स हो जाएगा थ्री बाय सी वन, थ्री बाय सी वन माइनस वन बाय सी वन, बस। हाँ क्यू चाहिए ना आपको, क्यू भी आ जाएगा चिंता मत करो, इसका एलसीएम लोगे तो सी वन टू बाय सी वन, टू से टू आउट हो गया। अब Q भी निकल आएगा, क्योंकि देखो Q कैसे निकल लेता है, आपको पता है कि C इक्वल टू Q बाय V, ये कभी भी कांस्टेंट ही रहेगा, इस सिचुएशन में C क्या कांस्टेंट रहेगा, तो Q इक्वल टू सी वी, सी वी, सी कितना है, किसी भी एक सिचुएशन का C ले लो, C 10 टू दी पावर माइनस 14 और V कितना है 200 फराड, हाँ ठीक है, ये कितना आ जाएगा बाबू, 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, ये आपका इतना कूलम आ गया चार्ज, इसका स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 बाय सी वन, और सी वन का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा कितना, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल, रे बाबू कैसे क्या क्या बोल रहे थे, एक बार देख लो तो सर सब लोग, एक बार सभी लोग देख लीजिए आंसर। एक आसान सा और बढ़िया सवाल है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए है और उनके बीच का डिस्टेंस डी है, बैटरी को 4 वोल्ट सॉरी कैपेसिटर को 4 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है और ये हमेशा कनेक्टेड ही है, और कनेक्टेड बैटरी है ही और कैपेसिटर को हम लोग इसके बीच का गैप रिड्यूस कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, बैटरी कनेक्टेड ही है, बैटरी कनेक्टेड ही है और कनेक्टेड बैटरी होते हुए हम लोग कैपेसिटर के बीच का गैप जो है रिड्यूस कर रहे हैं हाफ, तो अब क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा तो चार्ज लेने की एबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, आपको पता है। अब ये घटेगी या बढ़ेगी मतलब पहले जो चार्ज था, अब एक्स्ट्रा चार्ज अगर मान लो चाहिए होगा तो देने वाला तो अवेलेबल है, कौन, बैटरी, बैटरी है ना, तो बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा, हालांकि बैटरी चार्ज नहीं देती है, चार्ज को सर्कुलेट कराने का काम करती है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये बात मान लेते हैं कि चार्ज अपेयर कौन करवा रही है, बैटरी, तो अब बैटरी क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज अपेयर करवाएगी, कितनी हमसे ये पूछी गई है, ठीक है, सवाल समझ में आया, बना के दिखाइए। आंसर इज 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, कहानी बिल्कुल आसान है, दोनों केस में आप चार्ज निकाल के देख लो डिफरेंस, चार्ज तो अलग अलग होगा ना, नहीं समझे बात को, कैपेसिटेंस निकाल के चार्ज निकाल लोगे दोनों केस का, बस बात खत्म। देखिए फर्स्ट केस में ये प्लेट है ना बाबू, पहले सिचुएशन में बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, इसके बीच का प्लेट एरिया तो वही रहेगा, अभी डिस्टेंस कितना है डी है, नहीं तो बताइए क्या रिलेशन लिखाएगा यहां पे, Q इक्वल टू सी वी, ठीक है, C का यहां पे क्या लिखोगे रिजल्ट, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और V का V ही रहा, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे क्या है कि V आपको बोला गया है 4 वोल्ट है, तो V इक्वल टू 4 वोल्ट मतलब 4 नहीं 4 वोल्ट है ना, तो 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये आया आपका Q, पहला वाला सिचुएशन। अब देखो सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ कि बैटरी कनेक्टेड है और कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस घट गया, कितना डी बाय टू, सेकेंड केस, अब ये डिस्टेंस डी बाय टू है, सेम प्रोसीड्यूर को फॉलो करो, ये मान लो Q डैश इक्वल टू क्या होगा, C डैश वी, वी रिमेन कॉन्स्टेंट, अब की बार भी कांस्टेंट रहने वाली है क्योंकि
वी वर्टिकली कनेक्टेड है तो वोल्टेज वही रहेगा ना। C इक्वल टू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया वही रहा और ये हो जाएगा डी बाय टू, तो टू चला जाएगा ऊपर और वी के जगह पे कितना रखोगे फोर, तो फोर टू जा एट नहीं हुआ बाबू, इतना आसान था, एट एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये आया आपका नया वाला चार्ज। तो बाद में कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ, जो एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, तो चार्ज डिपॉजिट कितना आ रहा है आपको पूछ रहा है ना, एक्स्ट्रा चार्ज क्यू एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना आया Q डैश माइनस Q, Q डैश कितना 8 एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय T, आंसर इज 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। बोलो कितना आसान सवाल था ना। शुरू में सिचुएशन क्या था कि प्लेट के बीच का डिस्टेंस D था, बैटरी 4 वोल्ट से कनेक्टेड थी, ठीक है, 4 वोल्ट बैटरी के साथ ये कनेक्टेड था, तो चार्ज इक्वल टू होता है सी वी, सी का एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डी तो डी ही है, एरिया वही रहेगा एप्सिलॉन नॉट क्योंकि बीच में एयर है, और वोल्टेज के जगह पे क्या रखोगे 4 वोल्ट है, इनटू 4 कर दिए तो 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ गया स्टार्टिंग में चार्ज, शुरू में जब इसके बीच का डिस्टेंस डी था। अब क्या होगा, जब डिस्टेंस को चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस मान लीजिए सी डैश हो गया, जिसकी वजह से चार्ज स्टोर भी सी क्यू डैश होगा, तो सी डैश का एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा, देखो तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी और डी की जगह पे क्या होगा डी बाय टू, तो डी बाय टू, तो टू चला गया ऊपर और वोल्टेज तो उतना ही रहेगा 4 वोल्ट इंटू 4, तो 4 टू जा 8, 8 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो चार्ज एक्स्ट्रा कितना डिपॉजिट हुआ, पहले 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था, बाद में 8 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हुआ, मतलब एक्स्ट्रा डिपॉजिट कितना हुआ 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ही डिपॉजिट हुआ होगा, समझ पाए बाबू। एक बहुत ही आसान सा सवाल, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफराड है उसे 5 माइक्रोकूलम तक चार्ज किया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया, उसे बैटरी हटा दी गई है, जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो बता दी जाएगी, बैटरी हटा देने से क्या होगा क्यू कांस्टेंट हो जाएगा नहीं, ठीक है, और वी चेंज हो जाएगा, वी बदलेगा जब बैटरी कनेक्टेड होगी उस वक्त, क्यू बदलेगा वी कांस्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। इफ द प्लेट आर पुल्ड अपार्ट, और जब प्लेट को खींचोगे तो इसके बीच का कैपेसिटेंस तो रिड्यूस होगा, और रिड्यूस कितना करवाना है हमें 2 माइक्रोफराड तक रिड्यूस कराना है, इतना करने में कितना वर्कडन करना पड़ेगा, सीधा सा वर्कडन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी कर दो, नहीं तो सॉल्यूशन क्या हो गया कि वर्कडन एक्सटर्नल वर्कडन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है जरा देखो तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपको 2 माइक्रोफराड तक पहुंचानी है, तो चार्ज कंजर्व, इस केस में चार्ज कॉन्स्टेंट होगा Q स्क्वायर बाय 2C फाइनल माइनस Q स्क्वायर बाय 2C इनिशियल, तो Q स्क्वायर बाय 2 कॉमन और C फाइनल, फाइनल कितना है 2 माइक्रोफराड 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस इनिशियल कितना है, इनिशियल था 5 माइक्रोफराड ना, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और Q का वैल्यू तो आपको बता दिया गया कि चार्ज कितना किया गया 5 माइक्रोकूलम, तो Q स्क्वायर तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर बाय 2, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 5 टू जा 10 नहीं तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एलसीएम आएगा और ऊपर बचेगा कितना 5 माइनस 2 सीधा 3 लिख दें, बोलो कोई दिक्कत नहीं, अब ये हो जाएगा आपका कितना 5 जा 25 कहां सॉल्व करें इधर, अब यहां पे रिजल्ट बनेगा आपका कितना 5 जा 25 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 3 बाय 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यही ना क्या yes. कुछ गड़बड़ी है क्या, नहीं ना, हाँ सही है, तो 5 2 जा दिख पा रहे सॉरी दिख पा रहे हाँ 5 2 जा और 5 5 जा कैन, तो 5 3 जा 15 15 बाय 2 15 बाय 4 इंटू 10 टू द पावर 12 में से 6 जाएगा तो कितना होगा माइनस 6, तो ये इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल, क्लियर है ये वाला सवाल, सॉल्यूशन क्लियर है, बोलिए क्लियर है ना, बहुत ही आसान सवाल, और ये सवाल आया हुआ था आपका जेई मेन 2019,
ठीक है, आसान सवाल था बिल्कुल ही, खटाक सा बन गया था आप लोगों से। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लगाइए अगला हेडिंग, एनर्जी डेंसिटी। अब ये क्या है? देखो, एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर। नहीं, क्या होगा कि एक कैपेसिटर के बीच अंदर एक रीजन बनता होगा जो वॉल्यूम टाइप का होगा, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, इसे कह सकते हैं आप इट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। देखो, हमारे पास पहले से अवेलेबल है एनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, या और भी कुछ फॉर्म इसके अवेलेबल है? नहीं। और आप ये बताइए, अगर ये कैपेसिटर हो, ध्यान देना बाबू, इसका प्लेट एरिया ए है, इसके बीच का डिस्टेंस डी है, तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस कह सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, ए डी चलेगा, बस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी ईडी इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डिफिनेशन ये कहता है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी कितनी है, कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं एनर्जी का, हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस। क्लियर है? अब इसके आप आराम से रिजॉल्व कर लीजिए। नहीं, सी को क्या लिखिएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये लिखोगे? ठीक है, हाफ को हाफ रहने दीजिए, सी को लिखिएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी। यहां पे क्या है, वी स्क्वायर, ये वी क्या है, वोल्टेज, और एरिया ए इंटू डी, ए से एक खत्म। तो फाइनल आंसर आया एनर्जी डेंसिटी का आपके पास क्या, बोलो, ई बाय एप्सिलॉन नॉट बाय टू कह सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू, और रिजल्ट क्या बना, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू। देखिए, इसे एक नया सिंबल दे देते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल यू कह देते हैं हम। ठीक है, यहां तक ये रिजल्ट आया कि क्या आया, एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर मतलब वोल्टेज, और 2D स्क्वायर आया है। एक तो यहां तक भी आप इसे छोड़ सकते हैं, इसे और एक्सटेंड करें। देखो, आप ये बताओ, चूंकि वी इक्वल टू ईडी होता है, बोलो बाबू, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्या है, डिस्टेंस, एक्सप्रेस करते हैं इसे वी को, समझ रहे हैं बात को? देखो, तो यहां से आ रहे हैं हम लोग, तो वी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू कह देते हैं, एप्सिलॉन नॉट मतलब एक ऐसे फॉर्म में डालने जो आपको याद रहे, वी को क्या लिखोगे, स्क्वायर डालोगे, तो क्या होगा, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर। देखो, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर आउट हुआ, तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखो, फिर से वही फॉर्म में आ गया, उस टाइप में आ गया जो कि याद रहने वाला है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मतलब हाफ एमवी स्क्वायर टाइप का होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक्सप्रेशन एक बार देख लो फिर से, हमने क्या किया, एनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मेट यूज करा, कोई भी आप कर सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस, एनर्जी सी को हमने एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लिखा, और यहां पे ए से ए कैंसिल आउट हुआ, वी को फिर हमने क्या लिखा, ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, एक्सप्रेस किए तो स्क्वायर है, तो ई का स्क्वायर भी होगा, डी का स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, ई स्क्वायर बच गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हो गया आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसा कि आपको पता है कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, ठीक है, तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है, नहीं, तो नेचर ऑफ फोर्स हमने पढ़ा है ऑलवेज
ऑलवेज बोलो बोलो अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और ये फोर्स बिटवीन दी प्लेट कितना होता है, एक्सप्रेशन बताओ जरा, एक्सप्रेशन बताओ बाबू। नहीं पता, देखो अगर रिजल्ट नहीं याद है तो एफ बराबर क्यू ई तो याद है ना बाबू, क्यू ई तो याद है ना, क्यू और ई बराबर क्या होता है, एक प्लेट की वजह से फील्ड। देखो और कितना आसान तरीका बता रहे हैं, समझो यहाँ पे एक प्लेट की वजह से फील्ड होता है एप्सिलॉन नॉट ए सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता है ना, और सिग्मा को हम लोग लिखते हैं क्यू बाय ए, ए टू एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला बन गया ना क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। अगर नहीं याद तो ये तरीका याद है ना, बाकी बात खत्म। अगर आपको ये बोला जाएगा कि प्रेशर डेवलप्ड कितना होगा, अगर फोर्स पता चल गया तो क्या आप प्रेशर नहीं बता सकते हो? नहीं, आपको पता है कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, एरिया ऑफ प्लेट, इसके बीच प्रेशर डेवलप होगा ना, तो फोर्स कितना है क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, बाय ए करोगे तो बाय ए आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या क्यू बाय ए, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा ना, नहीं तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। कुछ ऐसा ही प्रेशर डेवलप या प्रेशर जनरेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं क्यू बाय ए को सिग्मा कह सकते हो, तो सिग्मा स्क्वायर हुआ, तो सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो, क्या क्लियर है? चलो एक तो ये बातें हो गई, दूसरी बात एक और समझिए कि जैसे देखो हमें पता है कि एनर्जी कितनी होती है, इसकी एनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी होता है। एक्चुअल वर्क डन बाय दी बैटरी कितनी होती है, जरा ध्यान से देखो, ये बात वैसे हम डिस्कस करेंगे बाद में भी, फिर भी देखो देखो एक्चुअल वर्क डन कितना होना चाहिए, एक्चुअल वर्क डन करेगा कौन, एक्चुअल वर्क डन बाय बैटरी, बाय बैटरी W इक्वल टू होता है ना रे क्यू भी, तो एक्चुअल वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, W इक्वल टू क्यू भी, तो फिर आधा ही वर्क डन हुआ, आधा कहां गया, बैटरी ने तो इतनी एनर्जी दी ना, बैटरी ने इतनी एनर्जी दी ना, देखो आधी एनर्जी हुई है, इसका मतलब आधा एनर्जी कहाँ गया, चार्ज स्टोर हुआ उस फॉर्म में, मतलब एक या चार्ज वही तो है, ये चार्ज करने में ही तो वक्डन लगा इतना, बैटरी ने पूरी एनर्जी सप्लाई करी कितनी क्यों भी, उनमें से इतना ही एनर्जी यूटिलाइज हुआ है, बाकी का लॉस, बाकी का लॉस। तो आपसे ये पूछा जाता है एनर्जी लॉस कितना होगा, तभी तो ना हर मशीन 100% इफिशियंट नहीं होता, इसी कंसेप्ट से इफिशियंसी आएगी, तो लॉस इन एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी में लॉस कितना हुआ है, लॉस में एनर्जी कितनी, एनर्जी गिवन बाय बैटरी माइनस हाफ क्यू भी, तो कुल मिला के 50% का लॉस आया है, लॉस एनर्जी कितना हुआ है हाफ क्यू भी, ये बात समझ पाए एनर्जी में लॉस क्यों हुआ, ठीक है इसको बाद में वैसे डिस्कस करेंगे हम लोग। यहीं से एक टर्म और आता है जिसको हम लोग कहते हैं इफिशियंसी, ठीक है इफिशियंसी बैटरी की, इफिशियंसी ऑफ बैटरी नोट कर लीजिए इसे भी फटाफट, तो देयरफॉर इफिशियंसी ऑफ बैटरी, इफिशियंसी ऑफ बैटरी, इफिशियंसी को ईटा से नोट करते ये वाला साइन, और इफिशियंसी इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100% में लिखना हो तो ये होता है आउटपुट, चाहे वो एनर्जी हो वर्क हो जो भी, इनपुट इनपुट अगर परसेंट में लिखना हो तो 100, आउटपुट कितना हुआ, आउटपुट कितना हुआ, आउटपुट जो आपको मिला एनर्जी क्यू बी बाय टू, आउटपुट हुआ है क्यू बी बाय टू, और इनपुट कितना दिया गया क्यू बी इनटू 100, क्यू बी से क्यू बी घटा बाय टू तो कितना हो जाएगा कुल मिला के 50%, तो बैटरी की एफिशिएंसी कितनी रह गई 50% की, ये बात समझ पाए, ठीक है। और ये जो 50% एनर्जी है, बस हुआ बस लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, समझ रहे हैं
इसके बाद आप नहीं भी बोलते फिर भी हम यही बोलने वाले थे, लास्ट लाइन, इसे एक बार समझ लो प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इतनी एनर्जी है जिसमें से बैटरी ने एनर्जी दी कितनी क्यू भी, तो यूटिलाइज हुआ उस एनर्जी का वर्कडन में कन्वर्जन सिर्फ इतना हुआ है क्यू भी बाय टू, बाकी का जो 50% एनर्जी है जो कि आपने देखा बैटरी की एफिशिएंसी 50% है, मतलब 50% एनर्जी का वेस्टेज हुआ है, वो एनर्जी पूछी जाती है कहाँ गई, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में नहीं, उसे ओवरकम करने में चली जाती है, साउंड के फॉर्म में, ये सब एनर्जी वेस्टेज हुआ, एनर्जी वेस्टेज अपीयर्स, ये बात नोट करके लिख लो कि जो एनर्जी वेस्टेज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ हीट साउंड लाइट इटीसी, हीट साउंड लाइट इटीसी, बाकी की एनर्जी इस फॉर्म में आपकी चली जाती है, इस तरह से एनर्जी का वेस्टेज होता है। आपसे ये पूछा जाता है, इस टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में और भी कभी फुर्सत में बात करेंगे, फिलहाल इतना में देख लो, इसमें कोई कुछ पूछना हो तो पूछिए।